नमस्ते। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग एसी के बारे में। तो अगर आप एक नया एसी खरीदने वाले हो एंड अगर आप ऑलरेडी सैमसंग का जो एसी यूज कर रहे हो तो ये जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक देखना एंड जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना। हम जो है यहाँ पर बेस बाय लिंक प्रोवाइड कर देंगे। बाय द वे, यहाँ पर इस वीडियो में हम सैमसंग एसी के साथ टॉप फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर सैमसंग एसी के साथ जो है जितने भी नया मॉडल है, इवन 2023 मॉडल के साथ भी विंड फ्री टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सैमसंग विंड फ्री टेक्नोलॉजी के साथ जो है एसी में जो है आपको यहाँ पर अलग अलग माइक्रो होल्स देखने को मिलेगा, जिसके साथ विदाउट डायरेक्ट एयर फ्लो एसी जो है बढ़िया कूलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर विंड फ्री टेक्नोलॉजी में सैमसंग एसी में जो है लगभग 23 के आसपास जो है माइक्रो होल देखने को मिलेगा, जिसमें एसी जो है डायरेक्टली जो विंड है उसे फ्लो नहीं करेगा, जो माइक्रो होल्स उसमें से जो है विंड यहाँ पर फ्लो होगा, जिसमें आपको जो है काफी बढ़िया कंफर्टेबल टेम्परेचर देखने को मिलेगा एंड डायरेक्ट एयर फ्लो देखने को नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली सैमसंग एसी में जो विंड फ्री टेक्नोलॉजी है इसे जरूर से ट्राई करके देखना। प्लस यहाँ पर कन्वर्टेबल 5-in-1 कूलिंग मोड भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप जो है खुद से एसी का जो कैपेसिटी उसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर 40%, 60%, 80%, 100%, इवन 120% का जो कैपेसिटी उसे भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। अगर आपको फास्टर कूलिंग चाहिए, अगर रूम में ज़्यादा लोग है तो आप जो है 120% सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको फास्टर कूलिंग देखने को मिलेगा, रूम का जो टेम्परेचर है काफ़ी फास्ट रिड्यूस हो जाएगा। अगर ज़्यादा लोग है तो आप जो है यहाँ पर एसी का जो कैपेसिटी उसे जो है इंक्रीज कर सकते हो। प्लस अगर रूम में कम लोग हैं तो यहाँ पर 40% सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको जो है बेटर एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलेगा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपने हिसाब से जो एसी का जो कैपेसिटी उसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप एसी को 40% कैपेसिटी में यूज करोगे तो आपको जो है बेटर एनर्जी सेविंग देखने को मिलेगा, बेटर एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सही है। तो आपके हिसाब से आप जो है इसे कस्टमाइज कर सकते हो। प्लस सैमसंग एसी के साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर ऑटो मोड है, कूलिंग मोड है, हीटिंग मोड अवेलेबल है, यहाँ पर ड्राई मोड प्लस फैन मोड भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो कूलिंग मोड है उसके साथ आपको जो है बढ़िया कूलिंग देखने को मिलेगा। हीटिंग मोड के साथ जो है विंटर के साथ जो है यूज कर सकते हो विंटर के टाइम, एंड ड्राई मोड जो है बेसिकली बारिश के टाइम यूज कर सकते हो। इसमें जो है एसी जो है ह्यूमिडिटी को जो है यहाँ पर कंट्रोल करता है एंड काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबल टेम्परेचर यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, इवन बारिश के मौसम में भी। प्लस फैन को भी यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पर ऑटो मोड भी अवेलेबल है, जिसमें एसी जो है अपने हिसाब से अलग अलग मोड में जो है स्विच करेगा। प्लस सैमसंग एसी के साथ जो है पावरफुल कूलिंग मोड भी देखने को मिलेगा, जिसमें जो एसी का जो कंप्रेसर है एंड जो फैन है यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करता है। इसमें जो आपको काफ़ी फास्ट कूलिंग देखने को मिलेगा, काफ़ी फास्ट जो है रूम का जो टेम्परेचर है यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपको फास्टर कूलिंग चाहिए तो आप जो है पावरफुल कूलिंग मोड को यूज कर सकते हो। प्लस सैमसंग एसी के साथ जो है कॉपर कंडेंसर को यूज किया जाता है, जिसमें जो है आपको बढ़िया एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलेगा, प्लस आपको बेटर कूलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। एंड कुछ कुछ सैमसंग एसी के साथ जो है 2023 मॉडल 2024 मॉडल के साथ जो है वाईफाई एनेबल और वाईफाई कनेक्टिविटी फीचर्स भी देखने को मिलता है, जिसमें आप सिंपली फोन के साथ जो है एसी को कंट्रोल कर सकते हो। एसी का जो टेम्परेचर उसे एडजस्ट कर सकते हो, एसी को ऑन ऑफ कर पाओगे, डिफरेंट डिफरेंट मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर वाईफाई एनेबल फीचर्स को भी ऐड किया गया है सैमसंग एसी के साथ। प्लस आप जो है यहाँ पर वॉइस के साथ भी एसी को कंट्रोल कर सकते हो। एंड एनर्जी एफिशिएंसी अगर बात करें सैमसंग एसी के साथ आपको जो है पर 3-star, 4-star, 5-star एसी देखने को मिलेगा, प्लस एआई मोड देखने को मिल जाएगा, PM2.5 फिल्टर भी देखने को मिलेगा। तो एनर्जी एफिशिएंसी सबसे भी सैमसंग के साथ आपको 5-star एसी देखने को मिलता है। प्लस सैमसंग एसी में जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, जो कि काफ़ी सही है। बेसिकली जो कंप्रेसर है आप अपने आप ही जो है स्पीड को एडजस्ट कर सकता है कूलिंग के हिसाब से,
एंड इसके साथ आपको जो है बेटर एनर्जी सेविंग के साथ साथ जो है बढ़िया टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है सैमसंग इसके साथ। तो जो कंप्रेसर है अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर स्पीड को एडजस्ट कर सकता है। प्लस सैमसंग एसी को आप जो है यहाँ पर स्मार्ट होम के साथ भी कनेक्ट कर पाओगे। इसके लिए यहाँ पर जो अमेजोन एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट है उसके साथ आप जो है कनेक्ट करके आप जो है वॉइस के साथ एसी को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर स्मार्ट होम का जो फीचर से ऐड किया गया है जो कि काफी सही है। प्लस यहाँ पर सैमसंग एसी के साथ जो है ट्रिपल प्रोटेक्टर प्लस का जो फीचर से ऐड किया गया है। बेसिकली जो वोल्टेज जो है यहाँ पर फ्लक्चुएट करता है उसे जो है पर स्टेबल करने में काम में आता है। इसमें जो है एसी जो है काफी कम वोल्टेज में भी काफी बढ़िया तरीके से कूलिंग कर सकता है। एंड सैमसंग एसी के साथ ये जो फीचर से देखने को मिलेगा जिसमें आपको बेटर ड्यूरेबिलिटी एंड उसके साथ साथ लंबे टाइम तक आप जो है इस फीचर के साथ एसी को यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर ट्रिपल प्रोटेक्टर प्लस का जो फीचर से ऐड किया गया है जिसमें जो वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है उसे जो है स्टेबल करने की कोशिश करता है। प्लस सैमसंग एसी के साथ जो है फास्ट कूलिंग मोड भी देखने को मिल जाएगा जिसमें आप जो है काफी फास्ट कूलिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पर स्लीप मोड भी देखने को मिलता है। तो स्लीप मोड को एनेबल करने के बाद आपको काफी बढ़िया कंफर्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। प्लस एनर्जी एफिशिएंसी भी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ एसी के साथ जो है पीएम 1.0 फिल्टर भी देखने को मिलेगा जिसके साथ जो है यहाँ पर इंडोर एयर क्वालिटी के साथ जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड सैमसंग एसी के साथ जो है क्वाइट मोड भी देखने को मिल जाएगा जिसके साथ जो एसी है काफी हद तक लो नॉइज देखने को मिलेगा। तो स्पेशली यहाँ पर ऑफिस वगैरह इवन बेडरूम में भी आप जो है सैमसंग का जो एसी है उसे इंस्टॉल कर सकते हो, काफी ज्यादा जो है लो नॉइज देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर सैमसंग एसी के साथ जो है मोशन डिटेक्ट सेंसर देखने को मिलता है जिसके साथ जो है अगर रूम में कोई नहीं है तो एसी जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेम्परेचर को जो है एडजस्ट कर सकता है। एंड रूम में अगर कोई है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर मोशन डिटेक्ट सेंसर देखने को मिलेगा जिसके साथ जो है टेम्परेचर को वो एडजस्ट करेगा जिसके साथ आपको जो है बेटर एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर सैमसंग एसी को जो है पर मेंटेन करना भी काफी सही है। एंड डेफिनेटली हर ईयर आपको जो है यहाँ पर एसी को मेंटेनेंस करना जरूरी है। प्लस फिल्टर को भी आपको जो है यहाँ पर हर दो वीक के बाद अगर आप क्लीन करोगे तो आपको बेटर कूलिंग बेटर एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है यहाँ पर बेस्ट बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।